राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर का 14वां दीक्षांत समारोह संस्थान के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में संस्थान के 1265 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई और इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर HN सूर्यवंशी ने केंद्रीय मंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत किया है। आपको बता दें कि संस्थान विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी भी यहाँ पर दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज का ये दिन विद्यार्थियों के परिश्रम और समर्पण का प्रतिफल है और अपनी सफलता को सेलिब्रेट करने का ये अवसर है। उन्होंने कहा कि आज का भारत तेजी से बुलंदियों को छू रहा है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 21वीं सदी का हमारा मंत्र युवा जनों का मतलब ये है कि जिस मार्ग पर युवा चल रहे वही मार्ग देश का मार्ग है और मैं चाहता हूं हमारे देश का युवा सही मार्ग पर ही चले ताकि देश भी सही मार्ग पर ही चले। आपके बढ़ते कदम और हर मंजिल को आप चुने, आपके कदम चुने, ऐसा मेरा आपकी कामना रहेगी भविष्य के लिए। आप हमेशा याद रखिए कि आप युवा ही नए भारत के कर्णधार है, आप ही नए भारत का विस्तार भी है, आप ही नेता भी है और नेतृत्वकर्ता भी है। आपके नेतृत्व में ही भारत आगे बढ़ने वाला है और आज के युवाओं के पास प्राचीनता की विरासत है और आधुनिकता का बोध भी है।